भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में रहस्य समेटे हुए हैं। इन रहस्यों के कारण ही ये मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। आज हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में बहुत ही अनोखा है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये साल में सिर्फ 5 घंटे के लिए ही खुलता है। साथ ही इस मंदिर में अपने आप ही ज्योति प्रज्वलित होती है। और तो और इस मंदिर में महिलाओं के लिए भी कई खास नियम बनाए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस मंदिर के कई रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ ही ये राज्य अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी काफी मशहूर है। छत्तीसगढ़ में कई ऐसे मंदिर हैं जो लोगों को हैरान कर देते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ के मंदिरों में दर्शन करने के लिए आते हैं। छत्तीसगढ़ के गारियाबंद के जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर पैरी नदी के किनारे सोढ़ुल स्थित ग्राम पंचायत मोहेरा के अंतर्गत ग्राम निरई की पहाड़ी पर मां निरई माता विराजमान है। ये मंदिर अभी तक का सबसे अनोखा मंदिर है। माता का मंदिर होने के बावजूद भी यहाँ ना तो कोई माताओं की एंट्री होती है और ना ही बहनों की। ये मंदिर यहाँ के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। ऐसा कहा जाता है कि इस निरई माता मंदिर की पूजा करीबन 200 साल से होती आ रही है। माता रानी के इस एक दरबार में कई अनोखी बातें छिपी हुई हैं, जिसे सुनकर एक बार की आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकते। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर के कपाट सुबह 4 से 9 बजे तक केवल 5 घंटे के लिए ही खोले जाते हैं, वो भी साल में सिर्फ एक बार। और इस मंदिर में पूजा करने के बाद गांव के पुजारी फिर एक साल के लिए इस मंदिर के कपाट को बंद कर देते हैं, यानी फिर अगले साल ही यहां आने दिया जाएगा। जब भी ये मंदिर खुलता है तो हजारों की कतारों में श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन यहां की अजीबोगरीब परंपरा के अनुसार महिलाओं को मंदिर में जाने और माता की पूजा करने की मनाही होती है। इतना ही नहीं बल्कि इस मंदिर का प्रसाद भी महिलाओं को नहीं खाने दिया जाता। अगर वो इस प्रसाद को खा भी लेती हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके साथ फिर कोई न कोई अनहोनी का होना तय रहता है। इसीलिए इस मंदिर के पूजा पाठ का सारा कार्य सिर्फ और सिर्फ पुरुष के ही हाथों किया जाता है। जहां हर मंदिर में माता को श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाया जाता है, वहीं निरई माता के मंदिर में सिंदूर, सुहाग, श्रृंगार, कुमकुम, गुलाल नहीं चढ़ाया जाता, बल्कि नारियल और अगरबत्ती से माता की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही इस मंदिर में बकरों की बलि भी दी जाती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई सालों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार मनोकामना पूरी होने के बाद माँ को भेंट स्वरूप बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि निरई माता मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हर साल चैत्र नवरात्र के दिन निरई माता मंदिर में दीपक अपने आप ही जलने लगता है, जो लगातार नवरात्रि के 9 दिनों तक बिना किसी तेल के दीपक जलता रहता है। ये चमत्कार कैसे होता है किसी को नहीं पता और ये आज तक एक पहेली ही बना हुआ है। इन सभी चमत्कारों के चलते ही ग्रामीण यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यहाँ पर कई बार शोधकर्ताओं ने शोध भी किया है कि आखिरकार ये ज्योत खुद बखुद कैसे जलती रहती है और ये सब चमत्कार कैसे और क्यों होता है। लेकिन वो शोधकर्ता इसके पीछे के रहस्य के बारे में नहीं जान पाए और वापस चले गए और इसका पता आज तक कोई नहीं लगा। वहां के रहने वाले लोगों का कहना है कि ये निरई देवी का ही चमत्कार है कि बिना तेल के 9 दिनों तक दीपक जलता रहता है। निरई माता मंदिर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर कोई भक्त माता के दर्शन के लिए शराब का सेवन करके या फिर बुरा सोचने वाला व्यक्ति इस मंदिर में आता है तो उस व्यक्ति को मधुमक्खी काट लेती है या फिर ये मधुमक्खी इस तरह के व्यक्ति को इस मंदिर से दूर भगा देती है। दोस्तों, क्या आपको पहले से इस मंदिर के चमत्कारों के बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल धर्म मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही धर्म से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुँच सके।